हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 5 कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 4 तक के रूल्स और क्वेश्चंस किए थे, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो रूल नंबर यहाँ पे 65 मेंशन है, जो चैप्टर 5 है उसमें टोटल 65 से 133 तक रूल्स हैं। तो हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं उसे ही डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट रूल्स के इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ही डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 65, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसमें स्टेट ट्रांसपोर्ट के मीटिंग कब होंगे, स्टेट ट्रांसपोर्ट के क्या क्या पावर है वो देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शैल मीट एट सच टाइम एट सच प्लेस एज द चेयरमैन मे अपॉइंट, शैल मीट नॉट लेस देन वंस इन ईच ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मीन्स कि जो भी चेयरमैन के निर्देश पर कब और कहाँ मीटिंग होगा वहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मीट करेंगे और 3 महीनों में कम से कम एक बार मीटिंग होना जरूरी है। जो सेकेंड पॉइंट है कि जो भी मीटिंग होंगे उसका नोटिस स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को 10 दिन या उससे पहले मिल जाएगा। पॉइंट 3 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि रिमूव एनी मींस कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो भी मेंबर है स्टेट ट्रांसपोर्ट में उसे रिमूव कर सकती है। जो पॉइंट 5 है प्रिसाइडिंग, जो भी मीटिंग होंगे उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स, और जिसमें से एक तो चेयरमैन खुद होगा और दूसरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, वो होते हैं जो रिस्पॉन्सिव फॉर द कंडक्ट ऑफ पोलिंग। आप लोग वोटिंग के समय आप सुनते होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सब, तो ये सब के पास गुड नॉलेज ऑफ वोटिंग प्रोसीजर होता है, वोटिंग प्रोसीजर का नॉलेज होता है। बहुत सारे मैटर पर वोटिंग होते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल आता है। पॉइंट नंबर 6, अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो चेयरमैन मेंबर में से ही एक को अध्यक्षता के लिए नॉमिनेट कर सकती है, इसमें ये बातें कही गई है। जो रूल नंबर 66 है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, इसमें जो पॉइंट 1 है इसमें बोला है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मीटिंग स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्शन में होता है, मीन्स उसके अंडर में होता है, और महीने में एक बार कम से कम मीटिंग होना चाहिए, ईच मंथ लिस्ट स्टेट। और जो भी नोटिस होंगे, जो पॉइंट 2 में मेंशन है, जो भी नोटिस होंगे वो हर मेंबर को 7 दिन से पहले मिलेगा ताकि वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हो सके, जो भी काम है वो उसे करके जो भी उस दिन वो लोग पहुँच सके। जो पॉइंट नंबर 3 है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के एक मेंबर को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 6 बार, एटलीस्ट 6 बार मीटिंग में प्रेजेंट होना है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता या किसी और कारण से एनी अदर कॉज, तो मेंबर को रिमूव कर सकती है। मींस स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर रखी हुई है स्टेट गवर्नमेंट। रूल नंबर 67 ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ, इसमें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मैनर्स के बारे में बात कही गई है, किस तरह से कोई भी मीटिंग हेल्ड होगा, क्या प्रोसीजर होगा इसके बारे में। हमने यहाँ पॉइंट 1-6 डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पे डिस्कस किया है। और आप लोगों को अगर ज़रूरी है कि हाँ हम सारे रूल्स को पढ़ना है, सारे पॉइंट को पढ़ना, तो आप मैंने टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ लेकर आप पढ़ सकते हैं सारे रूल्स को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जो इसमें पॉइंट 7 है इसमें बोल रहा है कि कोई भी मामला बोर्ड से डिसाइड होगा तो मेंबर के अलावा दूसरा पर्सन वोट नहीं देगा। मीन्स जो भी पर्सन है उस कमिटी में मेंबर्स हैं वही दे सकते हैं, कोई दूसरे लोग आके इसमें वोट नहीं कर सकते अदर देन अ मेंबर। जो पॉइंट नंबर 17 थे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर कोई मेंबर किसी विषय का विवरण गलत रिकॉर्ड करता है, कोई मेंबर है उस कमिटी का, तो उसमें अगर मेंबर अगर विवरण गलत करता है तो चेयरमैन उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, सुधार कर सकता है और कंफर्म करके उस पर एक सिग्नेचर करेगा। ओके,
जो रूल नंबर जो पॉइंट 20 है, इसमें क्या है कि चेयरमैन किसी भी ऑर्डर पर डिसीजन ले सकता है, ओके, और उस ऑर्डर पर डिसीजन कभी नहीं और उस ऑर्डर पर डिस्कशन कभी नहीं हो सकता जब तक कि चेयरमैन बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं, मीन्स चेयरमैन के पास पावर है कि किसी भी ऑर्डर पर डिसीजन ले सकता है, और वो चाहेगा कि कब डिस्कशन होना है किस मैटर पे, तभी उस पे मेंबर्स लोग डिस्कशन करेंगे, वोटिंग होगी, ये सब प्रोसेस हो सकता है। जो पॉइंट 21 है, चेयरमैन कोई भी मीटिंग को एडजॉर्न कर सकती है, स्थगित कर सकती है। पॉइंट 24 जो मेंशन है यहाँ पे कि सचिव सेक्रेटरी चेयरमैन के अप्रूवल पर एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है उसके जो भी ड्यूटीज है वो करने के लिए, ये सेक्रेटरी के पास पावर है कि चेयरमैन के अप्रूवल पे वो एक व्यक्ति को रख सकता है उनके ड्यूटीज को करने के लिए। पॉइंट टू जो 25 था उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है तो वो मीटिंग में पार्ट लेंगे, मतलब मीटिंग में वो भाग ले सकते हैं, डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, और किसके अथॉरिटी की अथॉरिटी रिक्वेस्ट करेगी उसके आने के लिए कि आप आके इस पे डिस्कशन कीजिए, आप इस पे बात कीजिए, समझाइए क्या इस टॉपिक पे, जो भी एक्सपर्ट है भारत सरकार के हो एक्सपर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के, उन्हें बुलाएगी और एक्सपर्ट मीटिंग में तो डिस्कशन करेंगे बट वोट नहीं देंगे, ओके, यहाँ पे लिखा शैल नॉट इंटेल टू वोट। जो पॉइंट 26 है इसमें बोला कि अगर कोई रूल्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो भी रूल्स हैं यहाँ पे मेंशन नहीं है और चेयरमैन उस पर फाइनल, तो भी चेयरमैन कुछ नया कुछ पॉइंट है कुछ नया रूल्स है तो उस पर फाइनल डिसीजन ले सकता है, मीन्स चेयरमैन के पास फुल पावर है। पॉइंट 60 जो रूल 68 है, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मीन्स कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कौन कौन से पावर सौंपे गए हैं वो यहाँ पर डिस्कस है। तो जो स्टेट ट्रांसपोर्ट जो पॉइंट 1 है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अपने जो रेस्ट्रिक्शन शर्तें और जो अपने दायरे के अंदर में ये सब पावर दिए गए हैं, और कौन कौन से पावर दिए गए, पावर टू ग्रांट विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन और रिफ्यूज टू ग्रांट परमिट, मीन्स किसी परमिट को मॉडिफाई कर सकती है और रिफ्यूज भी कर सकती है, ग्रांट कर सकती है, ग्रांट करने के लिए उसको रिफ्यूज कर सकती है, काउंटर साइन और रिफ्यूज द काउंटर साइन परमिट, किसी भी काउंटर साइन परमिट को वो ग्रांट कर सकती है। काउंटर साइन का क्या मतलब होता है कि काउंटर साइन मीन्स कि अगर हम बिहार में अगर कोई परमिट बनाए हैं और वो परमिट हमें यूज होता है यूपी तक, तो क्या होगा कि यूपी के जिस ज्यूरिडिक्शन एरिया में वो गाड़ी व्हीकल जा रहा है तो वहाँ के ज्यूरिडिक्शन एरिया से भी उस परमिट पे काउंटर साइन करवाना होता है, ये चीज़ होती है। पावर टू परमिट द रिप्लेसमेंट ऑफ वन व्हीकल बाई अनदर व्हीकल ऑफ सेम नेचर, रिप्लेस कर सकती है एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल अगर सेम नेचर का है तो परमिट को, और परमिट वैसे एक व्हीकल मेरे पास ट्रक है सेम नेचर का, हम दूसरा ट्रक ले लेते हैं तो उस परमिट का उस व्हीकल पे ट्रांसफ़र कर सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट ए टेम्पररी परमिट, मीन्स ग्रांट कर सकती है या रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है टेम्पररी परमिट के लिए, ये सब सारे पावर्स है। डिसाइड एनी अपील प्रिफर्ड, रिकॉर्ड चेंज ऑफ एड्रेस, एड्रेस चेंज करने की भी पावर, ये सब पावर है। रूल 69, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कौन कौन से पावर सौंपे गए हैं वो यहाँ पर डिस्कस है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है परमिट के रिगार्डिंग, वो सारे रूल्स जो पावर हैं वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को पावर इज लाइक सेम एज रूल 68, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, सेम चीज़ उस इसे भी पावर है। रूल नंबर 71, एग्जम्पशन फ्रॉम सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66, तो इसमें जो सेक्शन 66 के सब सेक्शन 1 से किसे एग्जम्प्ट किया गया वो देखते हैं। तो किसे एग्जम्प्ट किया गया, रिलीफ व्हीकल से, रजिस्टर्ड रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, मीन्स कि राहत कार्य के लिए कोई भी व्हीकल है, धार्मिक कार्य के लिए या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का या कोई स्टेट गवर्नमेंट का व्हीकल है तो ये एग्जम्पशन है उसे परमिट के रिगार्डिंग। रूल नंबर 73,
फॉर्म्स टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट। तो हमने यहाँ पे चैप्टर जो भी फॉर्म्स थे उसे मैंने डिस्कस नहीं किया। बहुत सारे फॉर्म्स हैं कि कौन से फॉर्म से परमिट को रिन्यू किया जाएगा, कौन से फॉर्म से एड्रेस चेंज होगा परमिट का, कौन से फॉर्म से मीन्स बहुत सारे फॉर्म्स थे, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हूँ। इस फॉर्म्स में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्म्स होंगे उसे मैं क्वेश्चन के सहायता से आपको बता दूंगा और आप उसे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया। जो 74 है फी पेबल अंडर चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट, तो इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, सुधार हो गए, चेंज हो गए, ये सब 1992 के। तो ये क्वेश्चंस जो भी इससे नहीं आएंगे कि कितने फी अब क्या लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। रूल नंबर 75 एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। हम लोगों ने एग्जम्पशन बहुत सारे एग्जम्पशन रूल चैप्टर 2 में 3 में भी देखा था, तो इसी तरह से यहाँ पे एग्जम्पशन है कि किसी जनरल या स्पेशल पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है बिहार सरकार स्टेट गवर्नमेंट इस चैप्टर 5 के एक्ट से। मींस कि कोई भी दिव्यांग है या किसी ग्रुप के पीपल को जैसे SC ST मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, उसको माफ़ कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। 76 रूल नंबर 76 कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज। हम लोगों ने पीछे भी देखा था, बहुत सारे जो रूल्स देखे थे मतलब चैप्टर 2, 3, 4 में, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ थे कि कोई भी चेंज ऑफ एड्रेस होता है और दूसरे मीन्स ज्यूरिडिक्शन एरिया में चेंज होता है एड्रेस, तो वो सूचना देते हैं एक दूसरे को। कोई भी तरह का रिवोक होता है किसी का लाइसेंस, यहाँ भी उसी तरह से था कि लाइसेंस परमिट रद्द होता है तो जहाँ भी ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसे सूचना देना है। तो इस तरह से थे, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, एक बार डिस्कस के लिए था, कोई इंपॉर्टेंट उसमें कुछ पॉइंट नहीं थे तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। रूल नंबर 77 रिफ्यूजल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट। मीन्स कि इसमें जो पढ़ना इसमें जो बोला है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिफ्यूज कर सकती है प्राइवेट सर्विस व्हीकल के परमिट को अगर उसे लगता है कि मोटर व्हीकल पब्लिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है। मींस कि आपने प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट लिया है और पब्लिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका परमिट कैंसिल रिफ्यूज कर सकती है। इंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन परमिट, ये रूल नंबर 78 में जो पढ़ना है कि परमिट में रजिस्ट्रेशन मार्क की आवश्यकता होती है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस है। अगर कोई एप्लीकेशन दिया और रजिस्ट्रेशन मार्क जो भी स्पेसिफिक डेट है उसमें नहीं दे पाया तो उसे परमिट इशू नहीं होगा, स्पेसिफिक पीरियड में नहीं देता तो उसे इशू नहीं होगा परमिट। रूल नंबर 79 एडिशनल कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन परमिट्स। एडिशनल कौन कौन से शर्त हैं परमिट के लिए यहाँ पर वो देखेंगे। तो जो स्टेज कैरेज होते हैं उसके जो कंडीशन एडिशनल है वो यहाँ पे पहले देखेंगे, फिर टूरिस्ट व्हीकल के बारे में है। तो पहले समझते हैं कि स्टेज कैरेज होता क्या है। स्टेज कैरेज वो होता है कि जो जिसमें 6 से अधिक पैसेंजर बैठ सकते हैं उनके लिए वो जगह होते हैं, ड्राइवर को छोड़कर और सारे पैसेंजर इंडिविजुअल जो भी फेयर है वो देंगे। जैसे बस हुआ, बस में आप यात्रा करते हो उसमें 6 से अधिक लोग के बैठने की जगह होती है और सभी लोग अलग अलग जगह पे उतरते हैं, सब लोग इंडिविजुअल रहते हैं, अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग वो पैसा देते हैं। तो वो इस तरह के जो भी व्हीकल होते हैं वो यूज जो होते हैं वो स्टेज कैरेज में आते हैं। तो इसमें जो पॉइंट ए है कि नॉट यूज ए स्टेज कैरेज इन ए पब्लिक प्लेस अनलेस इट कैरीज ए कंडक्टर। मीन्स स्टेज कैरेज को पब्लिक प्लेस में यूज करने के लिए कंडक्टर होना चाहिए, अगर नहीं तो यूज नहीं कर सकते। जो पॉइंट सी है इसमें स्टेज कैरेज से जो स्पेसिफिक रूट है वहीं चलाना है और जो टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल में व्हीकल को स्टेज कैरेज को चलाना है। पॉइंट नंबर 2 ये टूरिस्ट व्हीकल के रिगार्डिंग कौन कौन से एडिशनल जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्कस है। जो इसमें पॉइंट ए है नो गुड और शैल बी कैरिड इन द व्हीकल इन एडिशन और इन द एक्सक्लूजन। मीन्स कि टूरिस्ट व्हीकल में सामान नहीं ढोना है या पैसेंजर के साथ भी सामान नहीं ढोना है, कुछ भी एक्स्ट्रा लोड नहीं करना है। जो पॉइंट बी है टूरिस्ट व्हीकल के अटेंडेंट को सेम जो ड्राइवर का स्पेसिफिक जो ड्रेस है वो पहनना है। जो पॉइंट 3 है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के बारे में है,
जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आपको समझना होगा पहले कि क्या होता है। जैसे कोई भी यात्री किराए पर या कॉन्ट्रैक्ट पर वाहन का उपयोग करता है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह बिना रुके या किसी दूसरे पैसेंजर को बिना बैठाए ले जाता है, उस तरह के जो यूज करते हैं व्हीकल वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम समझाते हैं। जैसे यहाँ बिहार में इसे जैसे रिजर्व करके गाड़ी को ले जाना करते हैं, जैसे आप रिजर्व कर लिए और आप अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, तो इस तरह के जो भी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं। तो उसमें क्या एडिशनल कंडीशन है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो पॉइंट ए है, बिना परमिट के पब्लिक प्लेस में नहीं चला सकते हैं व्हीकल को अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के रूप में यूज करते हैं तो। और जो पॉइंट बी है, जो भी परमिट में वेट अलाउ है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और जो पॉइंट सी है, एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए या व्हीकल बॉडी पर कोई भी फिगर प्रदर्शित ना होना चाहिए, नहीं हो। और जो पॉइंट डी है, एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, करना है कि हर ट्रिप में कौन लिस्ट ऑफ पैसेंजर आपको मेंशन करना है, मतलब रजिस्टर में ये चीज़ें आपको करना है। जो पॉइंट सिक्स है, इसी में ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रिगार्डिंग बात कही गई है, एडिशनल ड्यूटीज क्या क्या है एडिशनल इसमें। तो इसमें जो पॉइंट ए कहा गया है कि एनी आर्टिकल प्रोविटेड, ओके, परमिट, जैसे जो भी स्टेट में प्रोविटेड है, कोई भी चीज़ निषेध है, उस तरह के वस्तु को सामान, उस तरह के वस्तु या सामान को नहीं ढोना। जैसे बिहार में शराब बंद है, वाइन बंद है, तो इसे नहीं आप ढो सकते हैं बिहार में, स्टेट ऑफ बिहार। जो पॉइंट बी है, इसमें जो बात कही गई है कि परमिट को एक ग्लेज्ड मीन्स एक चमकता हुआ या वाहन, मतलब वाहन में आपको इस तरह से रखें कि कोई भी ऑथोरिटी मांगे तो क्लियर हो और आराम से उसे पढ़ सके, मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए परमिट। और पॉइंट सी है कि व्हीकल को साफ सुथरा और सैनिटाइज कंडीशन में आपको रखना है व्हीकल को। ये सब चीज़ें सारे जो भी व्हीकल्स थे उसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। जो रूल नंबर 80 है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टर्स ऑफ परमिट, मीन्स परमिट के कंडीशन को अगर कोई बदलाव करना है तो यहाँ पे डिस्कस है। तो जो भी यहाँ पे है कि प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन और फी है, उसे आप पे करके अप्लाई कर सकते हैं, अथॉरिटी परमिट में बदलाव कर सकती है। रूल नंबर 81, एक्सटेंशन ऑफ एरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ परमिट्स, कि जो भी यहाँ पे मेंशन है हम बता देते हैं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आगे के एरिया तक भी परमिट को बढ़ा सकती है, बट विद इन द स्टेट, राज्य के भीतर तक ही वो कर सकती है। और जो पॉइंट फाइव जो यहाँ पे लिखी हुई, कि अगर किसी एरिया में, अगर मान लेते हैं कि आपको, आप कहीं इस एरिया तक जा रहे हैं, किसी एक एरिया, आपको स्पेसिफिक एरिया तक ही आपका परमिट इशू है, और आप उससे आगे कुछ किसी दिन आपको आगे तक जाना है, तो उसके लिए आपको नॉट लेस देन 3 डेज, आपको कम से कम 3 दिन पहले उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा कि हाँ हमें आगे तक जाना है इस स्पेसिफिक डेट को, तो परमिट ग्रांट होगा। जो भी परमिट में अगर ग्रांट होगा तो 3 दिन पहले आपको देना होगा। तो ये सब चीज़ें पॉइंट है, ये सब याद रखना होगा आपको। रूल नंबर 82, रिन्यूअल ऑफ परमिट्स और काउंटर सिग्नेचर, इसमें जो बात कही गई है कि जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है परमिट को रिन्यू कर सकती है अगर वो अदर रीजन में भी परमिट वैलिड है तो, उसके बारे में दूसरे ज्यूरिडिक्शन एरिया के अथॉरिटी को सूचना देंगे, ये बातें यहाँ पे कही गई है। जो रूल नंबर 83 है, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल कवर्ड बाय परमिट, पॉइंट नंबर 1 है कि ऐसा व्हीकल जिसका परमिट हो और उसका रिप्लेस, उसको रिप्लेस करना है, अगर कोई होल्डर अपने व्हीकल को रिप्लेस करना चाहता है उसी के तरह के व्हीकल से, तो परमिट होल्डर को अप्लाई करना होगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है और जो भी फी है उससे। जो पॉइंट 3 है कि अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ग्रांट करती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल मतलब हो सकता है, तो होल्डर को क्या करना होगा कि परमिट और न्यू व्हीकल का रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करना होता है। जो इसमें पॉइंट 6 है कि अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोटर व्हीकल को रिप्लेस करता है
और जो परमिट है उसमें अगर दूसरे स्टेट का काउंटर सिग्नेचर है तो इसके बारे में जानकारी देगा ऑथोरिटी को जिस ज्यूरिडिक्शन का काउंटर सिग्नेचर है। ये बातें यहाँ पे मेंशन है। रूल नंबर 84, अल्टरेशन इन ए व्हीकल कवर्ड बाय परमिट। ये इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। जो नेक्स्ट है रूल नंबर 85, चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ परमिट होल्डर। अगर किसी परमिट होल्डर का एड्रेस चेंज होता है तो 14 दिनों के अंदर, यहाँ पे मेंशन है कि विद इन 14 डेज, ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा कि विद इन 14 डेज आपको इसकी सूचना देना होगा, अगर जो भी फॉर्म है उसे फिल करके एड्रेस चेंज का प्रोसेस करना होगा। तो ये सब जैसे पॉइंट है मीन्स कितने दिनों में, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जो नेक्स्ट है रूल नंबर 86, प्रोसीजर ऑफ कैंसलेशन सस्पेंशन और एक्सपायरी ऑफ परमिट्स, मीन्स परमिट का रद्द निलंबन या जो भी प्रक्रिया है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो पॉइंट नंबर 1 है, होल्डर कभी भी अपने परमिट को सरेंडर कर सकता है, जो भी परमिट सरेंडर होगा उसे ऑथोरिटी कैंसिल कर देगी। जो पॉइंट 2 है, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी परमिट को सस्पेंड या कैंसिल करता है तो ऑथोरिटी उसमें जिसका काउंटर सिग्नेचर होगा उसे सूचना देगा। और जो पॉइंट 5 है, विद इन 3 डेज इन केस ऑफ स्टेज कैरेज, जैसे ये अब ये है, ये सब चीज़ें पॉइंट पूछ सकते हैं एग्जाम में। स्टेज कैरेज के केस में 3 दिन और अदर केस में 7 दिनों के अंदर परमिट होल्डर परमिट के एक्सपायरी के बाद ऑथोरिटी को सौंपेंगे जहां से इशू हुआ है। मीन्स कि अगर आपने कोई भी परमिट लिया है और वो परमिट आपके ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो उसके 3 दिन स्टेज कैरेज के केस में 3 दिन के अंदर और अदर केस में 7 दिन के अंदर आपको उसे सरेंडर करना होगा, सौंपना होगा ऑथोरिटी को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रूल है 87, ट्रांसफर ऑफ परमिट। इसमें बात कही गई है कि कोई भी परमिट, जो पॉइंट 1 है, कोई भी परमिट धारक किसी अन्य व्यक्ति को परमिट ट्रांसफ़र करने की इच्छा रखता है तो वह ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी को निर्धारित जो भी फॉर्म है उसमें लिखित आवेदन दे सकता है। जो भी रूल नंबर 73 में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जो हमने बोला कि उसे क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग उसे याद करेंगे। और जो पॉइंट 7 है कि परमिट होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो उसका जो मीन्स कि उसका जो सक्सीडिंग है मीन्स उत्तरावर्ती या परिवार के मेंबर परमिट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने नाम पर। उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मृत्यु का प्रमाण पत्र और जो फी प्रिस्क्राइब है उसे देना होगा। ये प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ परमिट का। रूल नंबर 88, प्रोडक्शन ऑफ परमिट। इसमें परमिट के बारे में, जो भी परमिट हमेशा आपको अपने साथ रहना चाहिए ये बात कही गई है, द परमिट शैल बी केप्ट विद द व्हीकल एंड द ड्राइवर, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या जो लिखी हुई उसको मैं बता देता हूँ, परमिट हमेशा व्हीकल में रहना चाहिए और जो भी व्हीकल का इंचार्ज होगा उसे परमिट को दिखाना होगा जब भी कोई ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी मांग करता है। जो मांग करेंगे वो कौन हो सकते हैं, वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर के रैंक से ऊपर होने चाहिए या एसआई जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिस के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए। मीन्स कि कोई भी आपसे ऐसे नहीं कि परमिट आके मांग दे और आप दिखा रहे हैं, जैसे हवलदार आके, तो ये सब को नहीं है, ऑथराइज नहीं है, वो लोग नहीं देख सकते हैं परमिट। रूल नंबर 89, प्रोविजन ऑफ टैक्सीमीटर ऑन मोटर कैब्स। मोटर कैब पर टैक्सीमीटर का क्या प्रावधान है वो यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी मोटर कैब्स या एनी क्लास ऑफ मोटर कैब्स शैल बी फिटेड विद टैक्सीमीटर, मीन्स कि एनी क्लास ऑफ कैब्स या मीटर पे टैक्सीमीटर फिट करने की नोटिस दे सकती है जो भी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी है उस रीजन में। पॉइंट नंबर 2 है, अगर कोई इस तरह का नोटिस पहले से है तो मोटर जो कैब है को परमिट प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि टैक्सी में मीटर के साथ फिट ना हो। ये सब रूल्स थे 89 के। रूल्स नंबर 90, कंपलसरी फिटनेस ऑफ टैक्सी मीटर, मीन्स टैक्सी मीटर कौन से फिट किया जाएगा या कौन सा लगाना है उसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। जो फर्स्ट पॉइंट है,
कि जो भी टैक्सी मीटर फिट होगा वो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, वही टैक्सी मीटर लगाना है। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। आपसे पूछ सकता है कि कौन अप्रूव करता है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो ज़्यादा पॉइंट थे मैंने उसे डिस्कस नहीं किया, जो भी इम्पोर्टेंट जो नहीं लग रहे थे उसे मैंने डिस्कस नहीं किया। रूल्स नंबर 91, प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ मोटर कैब विथ डिफेक्टिव मीटर्स। इसमें जो पॉइंट वन है कि कोई भी डिफेक्टिव मीटर के साथ मोटर कैब का यूज नहीं कर सकता है, और जो पॉइंट टू है कि कोई भी एक बार मीटर को हटाकर फिर से लगाकर यूज नहीं कर सकता। ऐसा होता है तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट उसे नोटिस इशू कर सकता है और तुरंत सर्विस प्रोवाइड से उसे रोक सकता है। इसमें यूज ऑफ मोटर फीटर वॉन्स ओके। जो रूल्स नंबर 92 है, अनऑथराइज इंटरफेयर विथ मीटर, जो इसमें मेंशन है पॉइंट नंबर वन कि किसी भी मीटर के साथ जो अनऑथराइज छेड़छाड़ के बारे में जो यहाँ पे डिस्कस है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से मीटर के सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। और जो पॉइंट टू है, बिना स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के परमिशन से मीटर को बदला या मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोग बिजली बिल में बिजली मीटर जो होता है उसमें एक सील लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सील को नहीं ब्रेक करना होता। उसी तरह से जो मीटर होता है, टैक्सी मीटर होता है, उसको भी सील को नहीं तोड़ना है, ये सब में छेड़छाड़ नहीं करना है किसी भी तरह से। ये रूल नंबर 92 में मेंशन है। रूल्स नंबर 93, अप्रूवल ऑफ मीटर्स। कैसे अप्रूव होता है मीटर की स्वीकृति, कोई भी कंपनी अपने मीटर को अप्रूव कैसे करवा सकती है, वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पॉइंट वन है कि एक नए या एक संशोधित प्रकार के मीटर की मंजूरी के लिए एक आवेदन राज्य परिवहन आयुक्त जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उसको किया जाएगा, और मीटर के टू कंप्लीट स्पेसिमेन, दो पूर्ण नमूने के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन जो होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन ड्राइंग उसका मैकेनिज्म कैसे है उसके साथ फॉर्म को सबमिट करना होता है। ये पॉइंट नंबर वन में मेंशन है। जो पॉइंट टू है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अगर किसी भी टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में मीटर को टेस्ट करने के लिए भेज सकती है। और जो पॉइंट फोर है कि अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संतुष्ट होंगे कि तो उसे राइटिंग में उस मीटर को अप्रूवल करेंगे, और जो पॉइंट फाइव है अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो उसे मना कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं उस आवेदन को। ये सब थे आज के, हमने रूल्स नंबर 93 तक हमने डिस्कस किया, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।